खबर इस बीच पंचकुला से सामने आ रही है, जहां पर तीसरे पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने भी मेले में शिरकत की है। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक मेला 8 विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। पुस्तक मेला 10 नवंबर तक चलेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पुस्तक मेला 8 विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। सीएम ने इस मेले में शिरकत की है, मेले का शुभारंभ किया उन्होंने, और जो पुस्तक मेला है वो 10 नवंबर तक चलेगा। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तीसरे पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। सीएम नायब सैनी ने शुभारंभ किया है मेले का। यह बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। खबर पंचकुला से है, जहां पर सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने बयान यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए विशेष दिन है, उमंग और उत्साह के साथ सभी त्यौहार हमने मनाए हैं। पंचकुला में उत्सव जैसा माहौल रहेगा क्योंकि पुस्तक मेला यहां हो रहा है। पुस्तकों का उद्घाटन करना मुझे बहुत सही अच्छा लगता है और मुझे खुशी हो रही है। पुस्तकों का उद्घाटन करने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये कहा उन्होंने। सीएम नायब सैनी का ये बड़ा बयान जो है सामने आया, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। मेरे लिए विशेष दिन है, उमंग और उत्साह के त्यौहार बनाए। लगातार क्योंकि युवाओं को ज्यादा संख्या के अंदर नजदीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके, ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। आज मैं इस पुस्तक मेले के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खासकर युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो अवश्य इस पुस्तक मेले के अंदर वो आएँ और जानकारी।